मूवी की शुरुआत में हमें दो मछुआरों को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से बोट पर एक नक्शे पर समुद्री राक्षसों की जगह ढूंढ रहे होते हैं। उसे लगता है कि समुद्री राक्षसों की जगह है, लेकिन दूसरा मछुआरा कहता है ये सब अफवाह है, सिर्फ एक कहानी है। लेकिन तभी एक समुद्री राक्षस चुपके से उनकी बोट पर रखे सामान को चुरा लेता है। तभी दूसरा आदमी उसे देख लेता है, वो राक्षस भी डर कर भागने लगता है। लेकिन तभी समुद्री राक्षस उन मछुआरों के जाल में फंस जाता है, पर किसी भी तरह वो जाल से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लूका को, जो कि हमारी कहानी का हीरो है, जहां वो घर से थोड़ी ही दूर पर अपनी मछलियां चरने जाता है। वही उसने देखा कुछ चमकती चीज आ रही है। लूका उसे उठाकर देखता है तो वो इंसानों की घड़ी होती है और उसके पीछे से एक बोट भी आ रही थी। लूका जल्दी से अपनी मछलियां लेकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। हमें यहाँ पर पता चलता है लूका इंसानों से डरता है जैसे इंसान इनसे डरते हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए खतरा नहीं है बल्कि इंसान इनके लिए खतरा है। जब लूका अपने घर जाता है तो उसकी मॉम उसे कहती है आजकल इंसान इधर कुछ ज्यादा ही घूम रहे, अब तुम ही इन मछलियों को चराने ले जाओगे और जब जाना तो होशियार रहना, इंसानों के सामने कभी मत जाना। लेकिन एक दिन जब वो अपनी मछलियों को चराने ले जाता है, उसे उसके जैसा ही एक समुद्री जीव मिलता है जिसका नाम अल्बर्टो होता है, जो इंसानों की फेंकी हुई चीजों को जमा कर रहा होता है। अल्बर्टो इंसानों का सामान लेकर पानी से बाहर जाता है, लेकिन पानी से बाहर जाते ही वो इंसानों की तरह दिखने लगता है। लूका ये सब देखकर हैरान ही हो रहा होता है कि तभी अल्बर्टो लूका को भी बाहर खींच लेता है। अब उसका भी शरीर बदल के इंसानों जैसे दिखने लगता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि समुद्री जीव पानी के बाहर आते ही इंसानों जैसे दिखने लगते हैं। लूका को अपनी मॉम की बात याद आती है और वो वापस से घर लौट जाता है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती, यही सोच करके पानी के बाहर जाते ही इंसानों के जैसे दिखाई देता है। अगली सुबह वो पानी के बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती है। तभी अल्बर्टो आ जाता है और लूका उसकी मदद मांगता है, जिससे वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं और इंसान में बदल जाते हैं। फिर लूका और अल्बर्टो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अल्बर्टो लूका को चलना सिखाता है और अपने घर ले जाता है जो कि थोड़ी ऊंचाई पर था। लूका ऊपर जाके देखता है कि अल्बर्टो के पास तो सारी इंसानों की ही चीजें हैं। फिर उसके घर में वो एक स्कूटर का फोटो देखता है। अल्बर्टो उसे कहता है कि स्कूटर हमने बना लिया है तो हम दुनिया के कोने कोने में घूम सकते हैं। लूका कहता है फिर तो स्कूटर हमें जल्दी से बनानी चाहिए जिसका नाम है वेस्पा। वो देसी जुगाड़ करके वेस्पा तो बना लेते हैं, लेकिन वो चलाने से पहले ही उसके पार्ट और पुर्जे निकल जाते हैं, लेकिन वेस्पा चलाने की ही ठान लेते हैं। लूका अब घर देर से आने लगा था। लूका की मॉम को पता चल जाता है कि लूका पानी से बाहर जाता है। लूका की मॉम कहती है कि कल से तुम अपने अंकल के साथ गहरे समुन्दर में चले जाओगे। लूका ये सब सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है और ये सब अपने दोस्त अल्बर्टो को बताता है। अल्बर्टो कहता है इससे पहले हम भाग चलते हैं, बगल में ही एक शहर है जो कि इंसानों का है, हम वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ तुम्हें तुम्हारे घर वाले भी ढूंढ नहीं पाएंगे और हमें वहाँ पर वेस्पा भी मिल सकती है जिससे हम पूरी दुनिया भी घूम सकते हैं। लूका उसकी बात को मान लेता है और वो शहर की ओर निकल जाता है। उस शहर में उन दोनों का सामना होता है एक लड़के से जिसका नाम एडकेल होता है, जो बहुत ही ज्यादा घमंडी होता है, जिसके पास एक नई वेस्पा है जिसे देखकर ये दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन इन्हें पता चलता है कि ये दोनों जिस शहर में है वहाँ हर साल एक खेल होता है। एरकोले बताता है ये वेस्पा इनाम में मिली है। इन दोनों को देखकर एरकोले उन पर हंसने लगता है और इन्हें पानी में डालने ही वाला होता है कि एक लड़की उन दोनों को आकर बचा लेती है जिसका नाम जूलिया होता है। जूलिया उन दोनों को एरकोले से दूर ले जाती है। जूलिया इन्हें बताती है कि खेल के तीन पड़ाव होते हैं, साइकिल चलाना, पानी में तैरना और पास्ता खाना। साथ ही में ये भी बताती है कि वो भी कई सालों से इस खेल में हिस्सा ले रही है। जूलिया कहती है वेस्पा पानी है तो इस खेल में हिस्सा लेना होगा। वो दोनों सोचने के बाद जूलिया से रिक्वेस्ट करते हैं, हम तीनों एक हो जाए तो ये आसान होगा कि हम इसे जीत सकते। काफी सोचने के बाद जूलिया भी हाँ कर देती है क्योंकि वो भी खेल को जीतना चाहती थी। इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि लूका साइकिल प्रतियोगिता में भाग लेगा, अल्बर्टो पास्ता खाने में और जूलिया पानी में तैरने में भाग लेगी, क्योंकि उन दोनों को पता था जैसे ही उन दोनों पर पानी पड़ेगा वो दोनों अपने असली रूप में आ जाएंगे।
जूलिया अपने पिता से इन दोनों को मिलवाती है, जिनका सिर्फ एक ही हाथ होता है। ये एक मछुआरे होते हैं और इन्हें भी समुद्री राक्षसों के बारे में तलाश थी। जूलिया सारी बात अपने पिता को बताती है, लेकिन जूलिया के पिता कहते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इस प्रतियोगिता की एंट्री फीस भर सके। उसके पिता अल्बर्ट और लूका को अपने साथ ले जाते हैं। मछलियों को पकड़ने लूका और अल्बर्ट अपने नॉलेज से बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेते हैं, जिससे उनकी एंट्री फीस के पैसे बन जाते हैं। लेकिन लूका के घर वाले उसे ढूंढने उस शहर में आ जाते हैं। वो लूका को पहचान नहीं पाते, इसलिए वो बच्चों के ऊपर पानी गिराते हैं और उन्हें चेक करते हैं, लेकिन लूका उन्हें नहीं मिलता। जूलिया अल्बर्टो को पास्ता खाने के लिए तैयार करती है, लूका को साइकिल चलाने के लिए। फिर वो दोनों जूलिया को तैरना सिखाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एरकोले पहुँच जाता है और यहाँ पर इनका राज खुलते खुलते बच जाता है। जब वो घर पहुँच जाता है, तभी लूका को अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके घर वाले शहर में पहुँच चुके हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। जूलिया और लूका अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जूलिया उसे अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताती है और उसे अपनी किताबों के बारे में बताती है। लूका को ये सब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अल्बर्टो को थोड़ी सी जलन होती है। वो लूका से कहता है, हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, हमें वही काम करना चाहिए। अल्बर्टो की फिर से पास्ता खाने की तैयारी शुरू हो जाती है, और जब लूका साइकिल चलाते हुए वहाँ से बाहर जाता है, तो उसकी मॉम उसे पहचान लेती है, उसके पीछे भागने लगती है। लेकिन लूका साइकिल को स्पीड तेज कर वहाँ से बच निकलता है। लूका जूलिया से पूछता है, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? इस पर अल्बर्टो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वहीं से उन दोनों की लड़ाई शुरू होने लगती है। अल्बर्टो लूका से कहता है, हम सिर्फ वेस्पा के लिए इन शहर में आए हैं, शायद तुम ये भूल चुके हो कि हम इस शहर में क्यों आए हैं। और फिर जूलिया उन दोनों के रोकती है और उनकी दोस्ती करवाती है, लेकिन अल्बर्टो अभी भी गुस्सा था और पानी में चला जाता है। जब जूलिया उसे उठाती है, तो उसका असली चेहरा सामने आता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारे स्कूल में हम जैसे राक्षसों को एडमिशन दिया जाएगा? जूलिया काफी डर जाती है और लूका भी ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि उसने किसी राक्षस को पहली बार देखा है। लूका कहता है, अल्बर्टो के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था और उसे अभी पता चला है, वो एक समुद्री राक्षस है। इतने में एरकोले कुछ लोगों के साथ आता है और अल्बर्टो पर हमला करने लगता है, लेकिन अल्बर्टो राक्षस है ये उसे पता नहीं था। अल्बर्टो लूका से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, और अब जूलिया लूका के घर पहुँचती है। लूका तब बहुत अजीब अजीब बातें करने लगता है, लूका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे जूलिया उस पर पानी फेंक देती है और जहाँ पर पानी पड़ता है वहाँ का रंग बदल जाता है, जिससे जूलिया को भी पता चल जाता है कि लूका भी एक समुद्री राक्षस है। जूलिया उससे कहती है, जिस शहर में तुम आए हो, उस शहर में समुद्री राक्षसों को पकड़ने का बहुत ही बड़ा इनाम रखा गया है। जूलिया लूका को भी जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पिता भी उसे नहीं छोड़ेंगे। लूका उदास होकर वहाँ से चला जाता है अपने दोस्त के घर। लूका वहाँ पर पहुँच कर दीवारों पर कुछ लाइनें देखता है। अल्बर्टो बताता है, मैं ये लाइनें तब से बना रहा हूँ जब से मेरे पिता मुझे छोड़कर गए हैं, शायद मैं बहुत बुरा हूँ। लूका उसे दिलासा देता है और उसे कहता है, हमारे अपने सपने हैं कि वेस्पा से हमें घूमना, चलो वो खेल जीत कर वेस्पा लाते हैं। लेकिन अल्बर्टो उसे मना कर देता है और लूका को वापस लौटने के लिए कहता है। लूका अब अकेले ही वो खेल जीतने के लिए चला जाता है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। खेल के पहले पड़ाव में पानी में तैरना होता है। लूका एक मेटल का सूट पहनकर आता है, जिससे उसके शरीर पर पानी ना पड़े। जूलिया लूका को ये सब करने से बहुत मना करती है, लेकिन लूका नहीं मानता और खेल का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है। अब दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जिसमें पास्ता खाना होता है, तो जूलिया बहुत सारा पास्ता खाकर तीसरे पड़ाव में पहुंच जाती है। अब खेल का तीसरा पड़ाव साइकिल चलाने का है, जहां पर उसके पीछे एरकोले आ जाता है। जब लूका पास्ता खत्म करके वहां से चला जाता है, तो उसके घर वाले उसे देख लेते हैं। लूका को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूका को खेल का आखिरी पड़ाव पूरा करना होता है, इसलिए वो उन्हें अनदेखा करके वहाँ से निकल जाता है। वो इतनी तेज साइकिल चलाता है कि जूलिया और एरकोले को भी पीछे छोड़ देता है, और थोड़ी ही दूर जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, जिससे लूका का सच सबके सामने आने ही वाला होता है, और उसी से बचने के लिए वो एक घर के बालचे के नीचे जाकर रुक जाता है। लूका सामने से देखता है कि अल्बर्टो उसके लिए छाता लेकर उसके पास आ रहा होता है।
लेकिन एरकोले स्पीड में आकर उसी से धक्का दे देता है। बारिश का पानी जब उस पर पड़ता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है और एरकोले उस पर अपना एक जाल फेंक देता है। इससे पहले उसके साथ कुछ किया जाता, लूका स्पीड में आता है और अपने दोस्त अल्बर्टो को अपने साथ ले जाता है और सभी देख लेते हैं कि ये दोनों समुद्री राक्षस हैं और एरकोले भी एक भाले के साथ इनका पीछा करता है। ये दोनों तेज से शहर के बाहर जाते हैं लेकिन एरकोले इनके पास आ जाता है और इन्हें मारने वाला होता है कि तभी जूलिया आकर उसकी साइकिल से अपनी साइकिल को लड़ा देती है और एरकोले को गिरा देती है। वो भी नीचे गिर जाती है। अपने दोस्त का ये हाल देखकर वो दोनों से उठाते हैं लेकिन एरकोले और शहर के काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वो दोनों इन राक्षसों को पकड़ सके। इतने में वहां पर जूलिया के पिता आ जाते हैं जो कि उन सबको बताते हैं कि लूका और अल्बर्टो जूलिया के दोस्त हैं और इस खेल को जीत चुके हैं। एरकोले उनकी बात को नहीं मानता और अपने दोस्तों से मदद मांगता है लेकिन कोई उसके साथ नहीं देता। जूलिया अपने पापा की ऐसी इंसानियत देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि शहर के बाकी लोग भी अपने असली रूप में आ जाते हैं जो बहुत सालों से उसी शहर में रह रहे थे। तभी से शहर में उन्हें हमेशा रहने के लिए दिया जाता है और उन्हें समुद्री राक्षस ना बुलाने का ऐलान किया जाता है। उसके बाद ये लोग एक वेस्पा ले लेते हैं जो पुरानी थी। उसके बाद जूलिया के पिता उसे स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं। जूलिया शहर से बाहर स्कूलिंग के लिए जा रही थी। लूका खुश नहीं था। जूलिया जैसे ही ट्रेन पर जाती है अल्बर्टो लूका को एक टिकट दे देता है ताकि वो भी स्कूल जाकर अपना सपना पूरा कर सके और बताता है कि मैंने वेस्पा को भेज दिया ताकि तुम भी जाकर पढ़ सको। लूका के घर वाले भी उसे बाय बाय करने आते हैं। लूका अल्बर्टो से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। अल्बर्टो कहता है कि मैं यही जूलिया के पापा के साथ रहकर उनकी मदद करूंगा। लूका खुश भी होता है और वो रो भी रहा होता है। उसका भी एक सपना पूरा हो चुका था। और इसी हैप्पी और इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।